हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन से कार्य हैं जो ईश्वर पर ही छोड़ देने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सब ने संत महात्मा और बड़े बुजुर्गों से ये जरूर सुना होगा कि भगवान सब देखता है और वे सब ठीक भी कर देगा, इसलिए अपना कर्म करो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन इस सांसारिक जगत में कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। यही नहीं, हम इतना परेशान हो जाते हैं कि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या सच में कुछ बातें ईश्वर पर ही छोड़ देनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या फिर कोई हमारा बहुत ही करीबी हमारा अपमान कर देता है। ऐसी स्थिति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, जीवन रूपी इस यात्रा में हमें कई बार नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, या फिर कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद लगता है अब जीवन बेकार है, या फिर ऐसा लगता है जीवन पूरी तरह से नीरस हो गया है। दोस्तों, ये मानवीय स्वभाव है। जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब वह उसमें इतना मग्न हो जाता है कि उसको और कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ गलत हो जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, तो वह बहुत विचलित हो जाता है और उसकी चर्चा लोगों के साथ करने लगता है। इंसान दुख की चर्चा खूब करता है, और यही नहीं, वे कई बार इतना परेशान हो जाता है कि वे नीति को ही कोसने लगता है। पर दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य हानि लाभ यश अपयश जो कुछ भी हासिल करता है उसमें उसका अपना हाथ कभी नहीं होता है। विधाता की जब जैसी इच्छा होती है तब उसे उसी प्रकार का फायदा या नुकसान उठाना पड़ता है, और साथ ही साथ मान अपमान भी सहने पड़ते हैं। जीवन और मृत्यु परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य मेरे पर मन लगाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसको वो प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में भी परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि सुख और दुख का माप इंद्रियों से निकलता है, ये मौसम के समान होता है, यानी कि सुख और दुख हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों, सुख हो या दुख, इसका हमें समान भाव से सामना करना चाहिए, और जो हमारे बस में ना हो उसको ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए जिसका समाधान आपको ना मिल रहा हो, तो उस वक्त सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कब क्या और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता है। बस हाँ, आप कभी भी मन वचन कर्म से कभी किसी का बुरा ना करें तो आपके साथ भी कभी भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जिन समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है वह ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर निकालता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस समस्या का हल आपके पास न हो उसको ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप जान ही गए होंगे कि कौन से कार्यों को हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।